महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को स्टार प्रचारक बनाने के बाद उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी और भूपेश बघेल की सभा को देखकर मुझे गजनी की याद आती है, लेकिन ये पुरानी बात को भूल जाते हैं। हाथ में गंगाजल ले लेकर कहते थे शराबबंदी करेंगे, लेकिन शराबबंदी तो छोड़िए, शराब घोटाला हुआ है। बघेल जी की सरकार ने जो वादे किए थे कहा तो वो सुदूर इलाकों से हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस में पेशेंट्स को लाने वाले थे। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस तो छोड़ दीजिए, चार चक्के वाली एम्बुलेंस भी सुदूर इलाकों में वो ले नहीं जा पाए। स्वास्थ्य की सेवाओं में अगर हम नेशनल एवरेज को देखें तो पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ सारे मानकों में नेशनल एवरेज से नीचे चला गया, चाहे वो जन्म दर हो, चाहे मृत्यु दर हो, चाहे बेड्स की संख्या हो, चाहे डॉक्टरों की संख्या हो, सारे मामलों में। और फिर एक बार नई घोषणा स्वास्थ्य को लेकर इस सरकार ने की है, तो ये भी घोषणा पूरी नहीं होने वाली है। अभी अभी हम केपी सिंहदेव जी का सुन रहे थे कि हम 1.5 लाख नौकरियां देने वाले हैं। 1.5 लाख नौकरियां कहा गई पता नहीं, पर आप सबने मिलकर जो पीएससी का घोटाला उजागर किया, ये पहला ऐसा राज्य होगा कि जहां पर नौकरियां पाने के लिए या तो अधिकारियों के बेटा बेटी होना पड़ेगा या कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बेटा बेटी होना पड़ेगा, तभी आप पीएससी की एग्जाम पास हो पाओगे।